सुप्रभात दर्शकों, स्वागत है आपका आज के राशिफल में। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे और किन बातों से आज आपको रहना चाहिए सावधान, आइए जान लेते हैं 27 सितंबर 2023 का राशिफल। ज्वाइन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, लॉ एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एडमिशन कॉल 8800697058। सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी और आज आप अच्छे कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही आज भावनात्मक तौर पर आज आपका दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपका दिन परोपकार के कार्यों में आज बीतने वाला है, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। आज आप किसी सहकर्मी या मित्र की सहायता से अपने काम को पूरा कर पाने में भी सफल होने वाले हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको अपने ऑफिस में अपने बॉस के द्वारा तारीफ सुनने को मिलने वाली है। इसके साथ ही जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और संतान की ओर से भी आज आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपका मन काफी संतुष्ट रहेगा। आज आप मंदिर जा सकते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको पढ़ाई मन लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके एग्जाम्स हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना काफी जरूरी है। वृषभ राशि के जातकों, आज आपके परिवार में उथल पुथल मच सकती है, जिससे आपके परिवार के सदस्य के बीच झगड़ा हो सकता है। इसीलिए आज अपनी वाणी पर आप संयम रखें। और उसके साथ ही वृषभ राशि के जातकों, आज आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। व्यापार के सिलसिले में भी आज आप यात्रा कर सकते हैं, जहां आपको कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा है। आज आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको ऑफिस में बोनस भी मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों, आज आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, अन्यथा आज आपके घर में क्लेश भी हो सकता है। इसीलिए अपनी वाणी पर आज संयम रखें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों, आज आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है और नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहने वाला है। आज अपने ऑफिस में सावधान रहें। कर्क राशि के जातकों, आज आपका सहकर्मियों के साथ कोई विवाद हो सकता है। इसके साथ ही कर्क राशि के जातकों, आज आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने सेहत पर भी ध्यान दें। इसके साथ ही कर्क राशि के जातकों, अगर आप कोई नया कार्य आज शुरू करना चाहते हैं, तो आज के लिए वो दिन ठीक नहीं है, इसे कुछ समय के लिए आपको आज टाल देना चाहिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आज अगर आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो आज आपके मित्र और आज आपके ऑफिस के सहकर्मी आपकी पूरी मदद करेंगे। सिंह राशि के जातकों, आज आप इन परेशानियों से अपने मित्रों के सहारे बाहर निकल सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, यदि आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, तो आज अपने पार्टनर पर ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि आज आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। सिंह राशि के जातकों, नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। इसके साथ ही आज आपके परिवार में या फिर आपकी रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें आज आप शामिल हो सकते हैं। और सिंह राशि के जातकों, प्रेम के लिहाज से भी आज आपका दिन काफी अच्छा है। आज आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, आज आपका मन प्रसन्न रहने वाला है, लेकिन आज आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, तो आज आपको नियमित तौर पर अपनी दवा लेते रहना चाहिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपका मन संतुष्ट रहेगा। अगर आप काफी दिनों से परेशान थे, तो आज आपकी वो परेशानी दूर हो सकती है। कन्या राशि के जातकों, आज आपको समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। कन्या राशि के जातकों, आज आपका आत्मविश्वास भी काफी हाई रहने वाला है। आज आपका दिन व्यस्त भी रहेगा। इसके साथ ही कन्या राशि के जातकों, आज आप अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, आज परिवार में कुछ समय दें। आज का दिन आपका काफी अच्छा बीतने वाला है। और इसके साथ ही जीवन साथी का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आज आपका दिन थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है। आज आप मानसिक रूप से बीमार पड़ सकते हैं। आज आप तनाव महसूस करेंगे, इसीलिए आज खुद को तैयार करें। तुला राशि के जातकों, आज आपको किसी उलझन में नहीं फंसना चाहिए और आज आपको किसी विवाद में भी फंसने से बचना चाहिए। तुला राशि के जातकों, आज अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। और तुला राशि के जातकों, आज अपने संतान की सेहत का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। इसके साथ ही तुला राशि के जातकों, अगर आप एक व्यापारी हैं, लेकिन अपने व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आज आपको ये बदलाव नहीं करना चाहिए। तुला राशि के जातकों, आज अपनी नौकरी में आप मन लगाकर कार्य करेंगे और आज आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। आज आप किसी खास व्यक्ति को अपने घर पर खाने के लिए निमंत्रण भी दे सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका दिन परेशानी वाला रह सकता है। आज धन से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, वैवाहिक संबंधों की बात करें, तो आज आपका जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। छोटी मोटी झगड़े को लेकर आज आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आप अपने माता पिता की सेहत को लेकर भी थोड़ा चिंतित रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको अपने भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों, आज अगर आप नौकरी करते हैं, तो आज आपका दिन सामान्य
रहेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। किसी कारण से आज आपका मन परेशान रह सकता है, लेकिन आज आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। धनु राशि के जातकों आज संतान को लेकर लापरवाही ना बरतें और आज उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धनु राशि के जातकों, इसके साथ ही आज आपको अपने घर में बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। धनु राशि के जातकों, आज आपका मन परेशान रह सकता है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। धनु राशि के जातकों, आज आप अगर कोई मकान, दुकान या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी आज का दिन काफी शुभ है। इसके साथ ही धनुराशि के जातकों, आज आपके घर में अतिथियों का आगमन भी हो सकता है, जिससे आपके घर में प्रसन्नता छाई रहेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके कामों की वाहवाही आज होने वाली है। मकर राशि के जातकों, आज आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है और धन से संबंधित कोई मामला अगर आपका काफी दिन से फंसा हुआ है तो आज उसका आपको हल मिल सकता है। मकर राशि के जातकों, आज आप विदेश शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। मकर राशि के जातकों, आज आपको किसी संस्था से जुड़कर विदेश जाने का मौका मिल सकता है। मकर राशि के जातकों, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आज आपको राजनीति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों, आज आपके धन में वृद्धि होगी, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपका मन किसी बात को लेकर काफी प्रसन्न रहेगा और आज आप फूले नहीं समाएंगे। आध्यात्मिक रूप से आज आपका मन काफी शांत रहने वाला है। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातकों, किसी विवाद के लिए आज आपको सावधान रहना चाहिए। आज आपको बेवजह कहीं नहीं बोलना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। यदि जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों, आज आपका अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है और संतान के भविष्य को लेकर भी आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों, आज आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है और किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर आज अच्छे डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आज आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं। आज आपको खर्चों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, वरना भविष्य में जाकर आपको धन की कमी खल सकती है। मीन राशि के जातकों, आज निवेश करने से पहले इस बारे में आपको सोचना चाहिए और आपको इस निवेश से लाभ होगा या नहीं, इस बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। मीन राशि के जातकों, आज जीवन साथी के साथ आज आपका बहस हो सकता है, इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने वाणी पर आज आपको संयम रखना काफी जरूरी है। इसके साथ ही मीन राशि के जातकों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आज आप बहुत ध्यान से प्रॉपर्टी के बारे में, उसके पेपर के बारे में चेक करें, वरना आज आपको नुकसान हो सकता है। तो दर्शकों, ये था 27 सितंबर 2023 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।